नमस्कार, सोशलाइट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको प्लास्टिक वायर का तोरण बता रही हूँ बनाना। नोवेल्टी शॉप में मिल जाएंगी, ये इस तरीके का होता है। 200 ग्राम का एक मिलेगा ये पैकेट। कली, मोगरे की कली हम बनाएंगे। मोगरे की कली ये देखिए, इस तरीके से करीब 5 इंच लंबा हम काट लेंगे सारे हिस्से एक साइज के। सारे हिस्से हम ले लेंगे, निकाल लेंगे। आपको कली बनाना इस तरह से हमने काट के रख लिए हैं दोनों कलर में। कली बनाना मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम सीधा, ये सीधा साइड है, इस तरह चपटा आएगा, ये चप्पे के तरफ है और ये सीधा, तो सीधा साइड हम लेंगे इस तरीके से देखिए। और इसे हम ऐसे ट्विस्ट करेंगे और ये अंदर के तरफ ले जाते हुए हम इसे गांठ लगाएंगे। एक इस तरह से गांठ एक बनेगी, फिर ऊपर का जो हमारा ये ऊपर का हिस्सा है और ये चपटा हिस्सा है, ये हमारा सीधा हिस्सा है। सीधे हिस्से से हम इस तरफ लेके जाएंगे और एक और इसी तरह हम गांठ लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारी मोगरे की कली जैसी दिखेगी इस तरीके से। इस तरह हमारा मोगरे का कली दिखेगा। इसी तरह हमने व्हाइट में भी बना लिया है। ये बाई तरफ हम पहले ऊपर रखेंगे और इस तरीके से गांठ लगाएंगे। ये देखिए, इसको पलटी कर लीजिए और ये सीधी साइड है और ये चपटी साइड है, तो इसको हम इस तरह रखेंगे और इसे ऊपर वाला इस तरह से रख के गांठ लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और हम ऐसे गांठ लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से कली हमारी बनेगी। इस तरह से हम सारी काट के कलियां बना लेंगे दोनों कलर में। इस तरह से लंबा हम धागा ले लेंगे, मजबूत धागा हम लेंगे, मोटा मजबूत धागा लेंगे, थोड़ा सुई में धागा डाल लेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से, गांठ थोड़ा ये हिस्सा रहने देंगे। यहाँ पर हम व्हाइट मोती हमने लिया है, इधर खिल्ले में लगाने के लिए हमने इस तरह से बनाया है। इस तरह से 8 नंबर की मोती हमने ली। आपके पास अगर छोटा मोती है तो छोटा भी लगा सकते हैं। और जो हमने गांठ लगाई थी इसके अंदर हम 7 मोती डाले हैं और इसके अंदर हम ऐसे ले लेंगे, इस तरह से इसको टाइट कर लेंगे। इस तरीके से हम टाइट कर लेंगे इसे। ये हमारा गोल हिस्सा आ गया जो हम खिल्ले में लगा सकते हैं इसे। इस दोनों पकड़ के यहाँ पर हम गांठ लगा लेंगे इस तरह से। हमने पहले व्हाइट लाइन ऊपर का बनाया है, पूरा व्हाइट लाइन बनाया हमने। इस तरह से हम कलिया जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये चपटा बाजू है, ये सीधा साइड है। इस तरह से कली हमारी आएगी, इस तरह से हम जोड़ लेंगे। जितना हमारा दरवाजा की चौड़ाई है उतना माप लेके हम जोड़ लेंगे। सारे इसमें पिरो लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने बना के रखा है।
लाइन पूरा। पूरा दरवाजे की चौड़ाई जितनी हमने लंबा सिल लिया है, पिरो लिया है। लटकन के लिए हमें ये सब सामान चाहिए रहेगा। देखिए, अगर आपके पास ये सब नहीं मिलता है तो आप पम-पम बॉल लगा सकते हैं ऊन का बना के। ये प्लास्टिक के आते हैं, घंटी लगा सकते हैं आप, इजीली मिल जाते हैं घंटी। और मोतियां हैं छोटी सी, ये लटकन के लिए हम यूज कर रहे हैं। मोती डाल के आप पम-पम बॉल लगा सकते हैं अगर आपको ये सब सामान न रहे तो। मैंगो कलर हमने 20 लिया है, ये लटकन के लिए हम ले रहे हैं। दस व्हाइट कलर, इसको इसमें हम सिल लेंगे। पहले मैंगो कलर डालेंगे, ये नीचे का हिस्सा बनाने के लिए हमने, तोरण का नीचे का हिस्सा बनाने के लिए ये लिया हमने। और ध्यान में रखिए, इस तरह से सिलिए कि हाथ में ना सुई लगे। ये देखिए, इस तरीके से बीच में गैप देके आप इस तरह से लगाइए, हाथ में आपको सुई लगेगा नहीं इस तरह से सिलने में। ये देखिए, मैंगो कलर हम ज्यादा लगा रहे हैं, डबल है, व्हाइट कलर कम है। अगर आपको चाहिए तो आप केवल मैंगो कलर से बना सकते हैं या फिर व्हाइट कलर से, एक ही कलर से। हमने इसमें दो कलर यूज किया है। इस तरह से हम लगा लेंगे, देखिए सिल लेंगे इस तरह से। दोनों कलर ये देखिए, इस तरह से हमने दो कलर में बना दिया है लरी। छह पार्ट में हमने मैंगो कलर डाला है पहली लाइन के लिए। यहां से करीब 1.5 इंच छोड़ दीजिए। धागे के बीचों बीच हमने जोड़ना है, ये देखिए इस तरीके से। धागे में हमें जोड़ना है इसे। से गांठ लगा लीजिए इस तरह। ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे जोड़ लिया। इस तरह से पहले लरी हमने छह मैंगो कलर छह पार्ट में लिया है, तो हम दूसरे लरी में पांच लेंगे, तीसरे में चार लेंगे। इस तरह से हमें बनाते जाना है। लॉन्ग तोरण हम बना रहे हैं इसमें, लरिया लरिया लटका के इस तरीके से। बीच में हमने छोटा करना है। धन्यवाद।